इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर। विद्युत, बोलो अपघट्य सेल, विद्युत अपघट्य सेल, ठीक है। और आपको इसमें और बहुत सारी चीज सीखने के लिए हम आज क्या सीखने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये ऐसी है जिससे कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर सेकंडों में निकलते हैं, बस हमें सीरीज याद होनी चाहिए, क्लियर। तो आप 15-20 मिनट इधर ध्यान देना, पूरी सीरीज बना रहा हूं, उससे बहुत सारी चीजें निकाल रहा हूं, और फिर जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं अपन सारे डिस्कस करेंगे, क्लियर। लेकिन उनके आंसर देने से पहले हमें पता तो चले कि सीरीज में ऊपर से जाने पर बोलो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, हर तरह के क्वेश्चन का आंसर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ओके, तो यहां पर बोलो मैं क्या करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, पहले मैं लिख रहा हूं, फिर आपको मैं अभी बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ऐसे करे ऐसे करे, बात तो एक ही है, क्लियर। ओके, ऐसे बता दो, बोलो चलेगा, ठीक है। क्लियर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई मैंने, ठीक है, जिसमें क्या होता है, यहां से लगाकर यहां तक ये जो भी मेटल होती है इनका रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बोलो नेगेटिव में वैल्यू होती है, क्या होती है, अपचयन विभव जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्लियर। जो एच होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो हो। और इधर जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बोलो पॉजिटिव होता है, क्लियर। ये मैंने आपको बताया, तो मुझे एक बात यहां से निकल के आई कि मैं अगर यहां से यहां जाऊंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो इतना तो मुझे पता चल ही रहा है कि चीज बढ़ रही है कि घट रही है, बोलो क्या पता चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने कहा यहां पर रिडक्शन बोलो पोटेंशियल, क्लियर। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अपचयन विभव, ठीक है, क्या हो रहा है, बोलो बोलो इंक्रीज, ऐसा करूं समझ आएगा, बोलो क्लियर। अब बहुत सारी चीजें हमें यहां से निकालनी है, हमें इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है, बस हमें चीजें अपने आप पता चलनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसको पकड़ के रखेंगे, और इसको पकड़ के रखेंगे इसके लिए दो बातें बता रहा हूं। पहली बात, ये हाईली रिड्यूसिंग मेटल, क्लियर, यानी ये सर्वाधिक सर्वाधिक सबसे ज्यादा अपचायक बोलो क्षमता रखती है, ठीक है। बोलो कैसी धातु है जो हाईली क्या रखती है, रिड्यूसिंग पावर रखती है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर मेटल। एक बात और ध्यान रखना है, ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव, क्लियर, यानी ये क्या होती है, उच्च क्रियाशील। पहले बताओ आपको मैंने क्या बताया,
मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई, मैंने आपको इसको ये दो बातों में पकड़ के रखने का बोला, और इधर से इधर जा रहा हूं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे अरेंज की गई है कि जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल उसको सबसे पहले रखा गया, जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल, फिर ऐसे करते करते अरेंज किए गए और पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है, जिसमें हाइड्रोजन रेफरेंस लेवल होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, और उससे पहले वो मेटल रखी गई है जिनका नेगेटिव, और उसके बाद वो रखी गई है जिनकी वैल्यू पॉजिटिव, जो कि प्रैक्टिकली होती है, फिक्स वैल्यू होती है, क्लियर। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब अगर मुझे इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकालने हैं तो हमें इसी इतने से मैटर से सोच डेवलप करनी पड़ेगी, जो मैं करने जा रहा हूं। नंबर वन, पहली बात मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैंने कहा रिड्यूसिंग, बोलो रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता जो होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्लियर, बोलो अपचयन विभव के, ठीक है। आपको कि सर आपको कैसे पता चला, हमें सारी बातें एक भी बात याद नहीं करनी है, बस जो मैंने बताया उतने से मैटर से पता लगाना है। मैंने बोला इधर से इधर जा रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मैंने बोला लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला है, इसका मतलब हुआ उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसका मतलब यहां से क्या निकल के आया कि रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर। तो मैंने पहला पॉइंट कैसे निकाला, समझ में आया, बोलो आपको ध्यान से समझना, पहले बताओ पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो क्लियर। अच्छा, अब मैंने कहा नंबर टू, नंबर टू में क्या बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन, बोलो जो पोटेंशियल होता है, क्लियर, वो इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। बोलो मेरी बात समझ में आई, बोलो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा ऑक्सीकरण विभव, बोलो ऑक्सीकरण विभव, बोलो माइनस अपचयन विभव, क्लियर, बोलो बात समझ में आई, बोलो, मतलब ये मेरे बहुत काम की चीज है जो आगे मैं काम में लूंगा। अगर मुझे कभी किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और मुझे रिक्वायर्ड है ऑक्सीडेशन की, तो माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, अपने आप ही बदल जाएगा, ये यहां से सीखने को मिल रहा है। और हमारे क्या काम की चीज है कि मुझे पता चला कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो फिर मेरे को बात निकल के आई तीसरी, कि इसका मतलब हुआ कि रिड्यूसिंग पावर, क्लियर, बोलो रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर, बोलो क्या पता चला, बोलो ये चीजें जो मैं निकाल रहा हूं समझ में आ रहा, बोलो। अगर मैं कैसे निकाल रहा हूं उसको समझोगे, एक बात याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी दुनिया तो याद रखती है, बोलो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। मैंने क्या कहा, अपचायक क्षमता, बोलो मैं कह सकता हूं कि बोलो ऑक्सीकरण क्षमता के क्या है, बोलो ऑक्सीकरण विभव के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मुझे यहां से पता चला, मुझे पता चला कि जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। बोलो बात समझ में आए, अच्छा इतनी बात समझ में आए, बोलो ओके। मैंने कहा फोर्थ पॉइंट, यहां पर मैं आपसे कहूं, अब इन तीन से छह पॉइंट निकालते हैं, यहां पर मैंने कहा कि बोलो आपको मैंने इसके इनवर्स से इसके डायरेक्टली, क्लियर, आप क्या लिखूंगा मैं, बोलो ऑक्सीडाइजिंग पावर, बोलो क्या लिखूंगा, बोलो ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्लियर, ऑक्सीकारक क्षमता, क्योंकि भाई मुझे थोड़ी पता एग्जामिनर क्या पूछेगा, मुझे तो कुछ भी पूछ सकता है, तो मुझे तो हर एंगल से डिस्कशन चाहिए। ऑक्सीकारक क्षमता, जैसे ही मैं प्रीवियस जो भी लिखा उसके अकॉर्डिंग लिखूं तो बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन विभव, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करूंगा, रिडक्शन विभव, क्लियर। तो यहां पर जब रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग पोटेंशियल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कैसा होगा, बोलो कैसा होगा, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
होगा। क्लियर, बोलो ये ऑक्सीकरण, बोलो विभव। लिख रहा हूं, समझ में आया बोलो। तो फिफ्थ पॉइंट अपने आप समझ में आएगा बोलो। फिफ्थ पॉइंट क्या बनेगा बोलो, आप कहोगे ऑक्सीड, आपसे मैं कह रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग बोलो पावर। क्लियर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखूंगा मैं बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, क्या लिखूंगा बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्षमता। क्लियर, ओके। आपसे मैंने कहा किसके बोलो, अपचयन, अपचयन विभव के। ठीक है, अब आपको मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने कितनी सी बात बताई आपको, मैंने कहा आपको केवल इतना याद रखना है कि बोलो ये सबसे ज्यादा बोलो रिड्यूसिंग पावर रखता है। इसका मतलब हुआ, बताओ इधर से इधर जाऊंगा तो बोलो रिड्यूसिंग पावर घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी। बोलो रिडक्शन पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है। तो इसका मतलब इतना और इतना याद रखकर बाकी सबका कंपेयर कर लेंगे। बोलो बात समझ में आए। मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बोलो यहां से वहां जाऊंगा तो बताओ अप टू डाउन जाऊंगा, ये यहां तो लेफ्ट टू राइट लिखा, बाकी ये यूं होती है, यहां जगह नहीं था इसलिए मैंने यूं किया, और इसको यूं भी नहीं कर सकता हूं। बोलो खाली आपको समझना है, मैं अप टू डाउन बोलूं, समझ में आया बोलो, अप टू डाउन जाऊंगा रिएक्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी, क्योंकि मैंने सबसे ऊपर वाले को हाईली रिएक्टिव बोला है। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। क्या फर्क पड़ेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो किसी भी दूसरे कम रिएक्टिव वाले कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर, तो आगे समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है पॉइंट नंबर सिक्स। क्लियर, इलेक्ट्रो ECS का मतलब क्या, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। क्लियर, यही वर्ड यूज करेंगे बोलो मैं। ठीक है, ऊपर वाली बोलो मेटल, मैंने कहा नीचे वाली बोलो मेटल, ठीक है, को किसी किसी भी कंपाउंड बोलो कंपाउंड से डिस्प्लेस बोलो विस्थापित बोलो कर सकती है। ठीक है, दो एग्जांपल लिख रहा हूं, समझना। मैंने लिखा CuSO4, मैंने लिखा Mg। क्लियर, बोलो एक लिखा मैंने MgSO4, एक लिखा मैंने Cu, बताओ कौन सा डिस्प्लेस होगा और कौन सा नहीं होगा। तो मैंने कहा ये आई बोलो इसको डिस्प्लेस करने, बताओ Mg ऊपर है Cu नीचे है, तो ये ज्यादा हुई तो ये तुरंत क्या करेगा, MgSO4 बनाएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये केवल देखता रहेगा, होगा कुछ नहीं। अरे समझे समझे बोलो, क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आए, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। बात समझ में, फिर दिमाग में आता है ऐसे तो हमें बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, तभी हम किसका डिस्प्लेसमेंट होगा और किसका नहीं होगा। क्लियर, प्लस मेरे को क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मैं पहले उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ फिर याद कराऊंगा। क्लियर, कि तभी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, वो याद क्यों होना चाहिए। क्लियर, ये सारी बातें बताई मैंने आपको। अच्छा, सपोज इट मैंने कहा आपको क्वेश्चन दिया, आपको दिया कि Fe क्लियर कोमा Na कोना एल्यूमिनियम कोमा Ag, ठीक है, बोलो को ऑक्सीकारक, ठीक है, बोलो क्षमता के बढ़ते क्रम, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं मैं बताओ। क्लियर, यानी आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, बोलो फाइंड आउट, क्लियर, बोलो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग बोलो पावर, बोलो पावर ऑफ, बोलो पावर ऑफ Fe Na Al क्लियर और Mag, क्लियर, ये पूछा और ऑप्शन होंगे बोलो। क्लियर, तो इसका मतलब हुआ मुझे सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन कहां पर आता है। क्लियर, जैसे मैंने आपसे कहा वहां पर साइड में बनी हुई तो होगी नहीं,
इसका मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा, क्लियर। जैसे अभी मैं फटाक से कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने चार को देखा तो मैंने कहा मुझे पता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो पहले एन ए आएगा, फिर ए एल आएगा, फिर एफ ई आएगा, फिर ए जी आएगा, क्लियर। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मैंने अरेंज कर दिया, अब मुझे जो पूछा उसका आंसर दूंगा। पहले बताओ मेरे से क्या पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। मुझे पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इधर आते हैं, जो पहले आते हैं, जो ऊपर आते हैं, वो ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाले होते हैं, कम ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले होते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, लेस ऑक्सीडाइजिंग, बोलो लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्लियर। ये मैंने पता लगा लिया। अब मैं देखूंगा कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। पहले बताओ मुझे क्या पूछा है, बताओ ये अपने आप में क्या हो गया, इंक्रीजिंग। बोलो मुझे डिक्रीजिंग पूछता तो मैं उल्टा कर देता, मुझे यही क्वेश्चन में रिड्यूसिंग का डिक्रीजिंग पूछता तो कर देता, मुझे इसी में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो कर सकता। हर एक का सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको अच्छा अभी मैंने लिखे थे तब तो मैंने 20 25 30 लिखे थे, आपको एग्जाम में 2 3 4 इतने ही मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा भी आइडिया हुआ कि कौन इधर आता कौन इधर आता है, ऐसे अरेंज करके हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। तो यहां से हमें क्या पता चला, फर्स्ट नीड पता चली कि हमें एंड कैन प्रकरण कैसे करके ये दिमाग में रहना चाहिए, तो ही हम कर सकते हैं, क्लियर। तो वो मैं कैसे बता रहा हूं, इधर ध्यान से समझना आपको, वैसे ये यूं होता है, मैंने यूं किया है, क्लियर। तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, बस इतना सा लिख दूं अप और इधर से कर दूं मैं बोलो डाउन। बोलो फिर तो समझ जाओगे, बोलो। और बोलो लेफ्ट राइट ने लिख करके मैंने क्या लिखा, अप और डाउन। तो आप समझ गए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू होती है, बोलो यू नहीं होती है, क्लियर। बोलो बात यू और यू केमिस्ट्री में बहुत फर्क पड़ता है, और बोलो फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता, बोलो क्लियर। तो ये कैसे ऐसे है, ठीक है। चलो इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है, और प्लस इनका पता होना चाहिए पहले कौन और बाद में कौन, क्लियर। तो इसकी ट्रिक के लिए मैं आपको एक पहले छोटी सी कहानी बताता हूँ, क्लियर। कि मैंने आपसे कहा माना इतने सारे बैठे हो, शादियां सबकी नहीं हुई लेकिन बारात में सब गए हो, बहुत सारे तो मुस्कुरा रहे हैं, क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, शादी सबकी नहीं हुई है लेकिन बारात में नहीं गए हो, ऐसा तो ना कह ही नहीं सकते। शादी का बोलो तो बहुत सारे हाँ ना कहोगे, क्लियर। अच्छा बारात में गए हो तो एक एक्सपीरियंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दूल्हा जब दुल्हन के घर की तरफ जाता है तो घोड़ी पे बैठ के जाता है, उस दिन तो वो मुस्कुराता ही रहता है, क्लियर। बोलो बाद में क्या होगा सब जानते हैं, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है जैसे ही वो दुल्हन के घर के पास पहुंचता है तो उसकी निगाहें कहाँ जाती है, ऊपर, कहीं दीदार हो जाए। बोलो बात समझ, ऐसा रियलिटी में होता है, क्लियर। ओके वंस अपॉन ए टाइम से तो हो रहा है, अब जमाना बदल गया है, क्लियर। हम वंस अपॉन ए टाइम की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि एक दूल्हा है जो घोड़े पे बैठकर दुल्हन के घर की तरफ जा रहा है, और जैसे घर और मुस्कुराता हुआ जा रहा है, क्लियर, एकदम दोस्त नाच रहे और वो भी यूं करता मजे लेते हुए जा रहा है, और जैसे ही दुल्हन के घर के बोलो पास पहुंचा उसकी निगाहें नजर कहाँ जाएगी, ऊपर, किसको देखने के लिए, बोलो दुल्हन को देखने के लिए, क्लियर। और उसके बाद क्या होगा वो ट्विस्ट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लियर। मतलब मैंने पुराने जमाने और नए जमाने की दोनों चीजों को कनेक्ट करके यहाँ पर बता रहा हूँ, क्लियर। अच्छा दूल्हा भेजना है तो दूल्हा क्यों ना ऐसा भेजे जो सबको पसंद आए, वो है कृष्ण भगवान, क्लियर। बोलो क्या बोला मैंने समझ में, कान्हा भेजते हैं, क्लियर, जिनकी बहुत सारी राधाएं थी, क्लियर। ओके तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकर, क्या लिख रहा हूँ, लेकर, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, लेकर, बोलो लेकर बारात, क्लियर। बोलो काना, क्या बोला मैंने, लेके बारात काना, मजे से आला, क्लियर। आला का मतलब समझ के बोलो आना, महाराष्ट्र में बोला जाता है आला, ठीक है। लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे, ठीक है, मन जो करे फेंक दे, फेंक दे निगाहे सनम को, सनम को प्यार भरी, क्लियर। बोलो सनम को, बोलो प्यार भरी, ठीक है। बोलो लेके थोड़ा जगह कम पड़ गई है, समझ जाओगे, बोलो प्यार भरी, ठीक है, बोलो प्यार भरी। ओके
फिर यहाँ थोड़ा रुकता है क्योंकि न्यूट्रल आ गया, और फिर क्या हो रहा है, ऐसा किसी चार हो रहा है और पता चला ऊपर तो लड़की दिखी नहीं, पता लगाया तो पता चला लड़की भाग गई। बोलो बात समझ में, क्या हो गया बोलो, छापा। बोलो छापा मतलब क्या हो गया, लड़की भाग गई। अक्सर अखबारों में पढ़ते हो दूल्हा गया बारात लेके और पता चला दुल्हन तो भाग गई, क्लियर। और ये जो मैंने छापा बताया है, छापा मतलब समझ के बोलो दुल्हन भाग गई, ये बड़ा काम का है। सी मतलब कॉपर, एच मतलब एजी, ए मतलब एजी, पी मतलब प्लेटिनम और ए मतलब एयू, क्लियर। ये छापा इतना काम का है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन राइट होंगे, क्लियर। तो क्या बताया मैंने, समझ में आया, लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंकते निगाह सनम को प्यार भरी, थोड़ा रुका वो और पता चला छापा लड़की भाग गए। ये पुराने जमाने का और ये नए का दोनों का मिक्स किया है मैंने, क्लियर। तो आई थिंक समझ में आया बोलो, और लड़की भाग गई उसको मैंने क्या बोला है, छापा मतलब समझ गए, लड़की भाग गई, कोई ले गया छुपा के, क्लियर। छापा मतलब लड़की भाग गई, और छापा का मतलब, सी का मतलब कॉपर, बोलो ए का मतलब, बोलो एच का मतलब एच जी, ए का मतलब ए जी, और पी का मतलब, ए का मतलब एयू। यहां से एक बात समझ में आता है कि एयू मतलब गोल्ड मतलब सोना, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम उसको पहन के नहाते हैं, बोलो आपसे में सोते हैं, बोलो कुछ भी नहीं होता, सालों साल तक हमारी बॉडी से टच रखते हैं। यही इनको पहन के नाना आप आग लग जाएगी, क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो सोडियम की माला पहन के नाना आग लग जाएगी। तो इसका मतलब हुआ, अगर कभी भूल जाओ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिव ज्यादा इधर है कि इधर है, इधर कौन रखा मैंने, गोल्ड, तो गोल्ड क्या होता, वेरी लेस रिएक्टिव, तो आप समझ गए बोलो, इधर से इधर रिएक्टिविटी क्या होगी बोलो, डिक्रीज होगी, क्लियर। तो आपको मैंने बताया, अच्छा अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, नोट करोगे, पहले बताओ ले का मतलब क्या है, ले कर का मतलब क्या है, पोटेशियम, बारात का मतलब बेरियम, बोलो का ना मतलब कैल्शियम सोडियम, मजे मतलब मैग्नीशियम, आला मतलब एल्यूमिनियम, मन मतलब मैग्नीज, जो मतलब जिंक, करे मतलब क्रोमियम, फेंक दे बोलो फेंक दे आयरन और कैडमियम, बोलो निकाय मतलब निकेल, बोलो सनम मतलब एसन, प्यार भरी मतलब पीबी, और समझ के बोलो, छापा तो आपको पता चल ही गया, बोलो हाँ, आपको तो यू बनानी, कैसे बना लो बोले, ठीक है, एक्चुअली सीरीज यू होती है, वो तो मैंने आपको यू बनाई है, ठीक है, आप कैसे भी बनाओ बोले, ठीक है।
हो गया नोट बोलो। हाँ यहाँ पर मैंने उतनी बात लिखी है जितनी आपको पता होनी चाहिए, बाकी सारी बातें अपन ने स्पेशल नोट में निकाली है। बोलो बात समझ रहे हो ना? बात समझ में आए? बोलो हो गया नोट बोलो। ये ठीक है हो गया? बाकी था आपको केवल आइडिया और रखना है ट्रिक का। आपको सिर्फ 3 4 5 दिए जाते हैं, आपका काम हो जाएगा। ये पूरा याद भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन पहले कौन बाद में, तो क्या ट्रिक ध्यान रखनी है बोलो। लेके बारात काना मजे से मजे से मजे से आला मन जो करे फेंक दे निगाहे सनम को प्यार भरी गहरी सांस लो छापा लड़की भाग गई। ठीक है, और छापा बहुत काम का है। ठीक है अब तो हो गया नोट बोलो। ओके
यहाँ वही इंफॉर्मेशन लिखी जितना आपको जानकारी होनी चाहिए, बाकी सारा हम क्या कर रहे हैं बोलो, इसी इंफॉर्मेशन से निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पर 8-10 नहीं लिख रहा हूँ कि इस पे जाने पर ये बढ़ता है घटता, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। उससे अच्छा इतना ध्यान रखो और बाकी जो पूछे इतने से ही निकालो आप। बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ओके किया ये नोट, बोलो। हो गया ये नोट, पहले बताओ एक से कैसे निकाले, समझ में आया, बोलो। अभी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें सारी चीजें मैं पूछ लूंगा, मतलब वो सारा कर लिया मतलब कैसा भी आओ आप कर सकते हो। बोलो एग्जाम में तो एक चीज पूछते हैं, अपन क्या करेंगे क्या क्या उससे पूछा जा सकता है। बोलो बात समझ में आए, बोलो। चाहे रिएक्टिविटी ऑर्डर हो, चाहे रिडक्शन ऑर्डर हो, चाहे वो बोलो ऑक्सीडाइजिंग हो, सब कुछ क्लियर किया ये नोट, बोलो। ठीक है,
आई बात समझ में? इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई सा भी क्वेश्चन आए, जो मिले उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज कर लो, जो पूछे उसका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है? पूछू मैं? बोलो। पहले मैं क्वेश्चन ऑप्शन लिखूंगा, पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? सीखा मैं सिखाऊं मैं आपको, केवल कितनी चीज ध्यान रखनी है बस उसी से काम निकालना है। ज्यादा चीजें याद करने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कम चीज याद रखनी। एक तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, लेके बारात खाना मजे से आला, मंजू कर फेंकते निगाह से लोगों को प्यार भरी, गहरी सांस छापा लड़की भाग गई। एक तो ये होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए, लिथियम इज ए हाईली रिड्यूसिंग मेटल, लिथियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, एंड हम अप टू डाउन जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्योंकि नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव होता है। बस इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा FeSO4, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन में Fe को निम्न में से कौन डिस्प्लेस डिस्प्लेस बोलो डिस्प्लेस बोलो विस्थापित विस्थापित, ठीक है, बोलो नहीं कर सकता है। ध्यान से समझो एग्जाम में क्या पूछा जाता है। कर सकता है तो भी आना चाहिए, नहीं कर सकता तो भी आना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर? अभी क्या पूछा मैंने? नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन है एक एल्यूमिनियम, ठीक है, बोलो मैंगनीज, ठीक है। एक दिया मैंने Ag, क्लियर। एक दिया मैंने आपको सपोजिट बोलो सोडियम, क्लियर। सेकंडों में होगा, छापा बड़ा काम का है। क्या बोला मैंने आपको? बोलो अगर मैं पूछ रहा हूं नहीं कर सकता, समझ में आया? बोलो आपको। इसका मतलब हुआ कि लोअर वाले ढूंढने, और पहली बात पहली नजर छापा पे होनी चाहिए। छापा वाला मिल जाए तब तो बोलो वही आंसर होगा। पहले बताओ कैसे किया, समझ में आया? बोलो। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का केवल एहसास है, याद भी करने की जरूरत नहीं, एहसास होना चाहिए माइंड में, आपका काम हो जाएगा। नंबर 3, मैंने कहा आपको निम्न में से किसका रिड्यूसिंग, मैंने कहा अपचायक क्षमता, क्लियर, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, सबसे बोलो कम होगी, क्लियर। एक ऑप्शन दिया मैंने Ni, ठीक है, एक दिया मैंने कैडमियम, एक दिया मैंने एल्यूमिनियम, और एक दिया मैंने आपको Pb, क्लियर। फटाक से बताओ, पहले बताओ क्या पूछा है, समझ में आया? बोलो आपको। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा पूछा कम पूछा? कम पूछा, तो आपको कौन सा ढूंढना है, समझ में आया? बोलो बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बाद में कौन आता है?
तो आप जो चार दे रखे उसमें आंसर देना है। फटाक से बताओ क्या होगा, पीबी होगा बोलो, क्योंकि चालू होंगे मन में, लेके बारात खाना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे निगाहें सनम को प्यार। और ये तो बाद में आएगा बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में, ये मन में रखना है, कोई गलत समझ जाएगा कि कर तो साइज रहा है, बोल बोल में कुछ हो रहा है, पता चला किसी को याद कर रहा है, ऐसा नहीं है। पहले बताओ समझ में आया बोलो, ओके। अगला दो में बोलो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आप बोलो जो और ऑप्शन में आपको टिक करना है। क्या हमेशा पीबी होगा क्या? नहीं, मैं अगर एक ऑफर दे देता तो वो हो जाता, इसका मतलब आंसर फिक्स तो है ही नहीं, बस गिवन इंफॉर्मेशन से आंसर निकालना है। केवल और केवल क्या याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर आया समझ में बोलो। अच्छा नंबर फोर्थ, मैंने कहा आपको ठीक है, अब आपके एग्जाम में तो एक आता है अपन सीख रहे, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें पूछ रहा हूं। क्लियर, मैं जो जो पूछूं वो आपको सब बताना है। नंबर वन, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, जो पूछूं वो बताना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। नंबर टू, अपचायक समता का घटता क्रम, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, कैपेसिटी कुछ भी लिखो। ऑक्सीकरण विभव, कोई पीछे पेज पलट के नहीं देखेगा, मतलब आपको रफ में आंसर बताना है। बोलो बात समझो ना, मैंने आपको याद करवाया है, सिखाया है, बस आप अपने एहसास से काम करो। क्लियर, ओके। पीछे भी दिखता है मुझे, ठीक है, घटता क्रम, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर। इनमें से कौन सा किसी से भी डिस्प्लेस नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। चार क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। फोर्थ भी समझ में आ गया बोलो आपको। किस किस का हो गया है? रामबाण पहली चीज, जो मैटर मिली है उनको एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज कर लो, फिर सारे काम फटाक से सेकंडों में होंगे। क्लियर, मैंने कहा इनमें से कौन सा किसी से भी डिस्प्लेस नहीं होगा अपने कंपाउंड से, आया समझ बोलो। एग्जामिनर क्वेश्चन समझाने आता है, खुद को ही समझना पड़ता है, खुद को ही समझना पड़ता है, ठीक है।
हो गया। मैंने कहा था एक बार आप रब लेके आया करो, मैं कुछ भी देता हूं आपको, आंसर रब में करना है, फेयरमैन में वापस बताऊंगा, बोलो क्लियर। ओके, इधर देखो, सबसे पहला काम ये क्वेश्चन मिला अपने को, ठीक है। पहला काम कितनी मेटल मिली बोलो, चार। मुझे तो इन चार को एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज करना है, इन चार से ही मतलब है, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहला काम हमारा होगा अरेंजमेंट, मन में बोलेंगे यहां पर देखेंगे, क्लियर। बोलो सबसे पहले कौन आएगा, मैंने कहा पहले कौन आएगा, एमजी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, लेके बारात खाना मजे से, आला। फिर मन जो, बोलो कौन आएगा, जिंग। बोलो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा छापा वाला ही है। अरे समझे नहीं समझे बोलो, छापा बड़ा काम का है, समझ में आया बोलो। अब एक बार मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज कर दिया, फिर तो जो मेरे से पूछे वो आंसर निकलेगा, जैसे पहला मेरे से पूछा है। सपोज दैट यही क्वेश्चन हो और यही पूछा जाए, बोलो रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बताओ ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग होता है कि इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है। मेरे से क्या पूछा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजन जब पूछा जाता है तो सबसे कम रिएक्टिव पहले और सबसे ज्यादा रिएक्टिव बाद में, तो बताओ क्या करूंगा, कॉपर Fe ZnMg, पहले का आंसर हो गया, टिक कर देंगे। सपोज दैट यही क्वेश्चन और ये पूछा जाए, क्लियर। बोलो मैंने पहला तो काम यही करूंगा, बोलो ये कर लिया। फिर मेरे से पूछा है रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर। इसमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन है, Mg। बोलो Mg है कि नहीं है। अच्छा पहले बताओ मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा कि डिक्रीजिंग, ये अपने आप में क्या है, डिक्रीजिंग। बोलो Mg ZN Fe और कॉपर, समझ में आया बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पहले रखा जाता है वो ज्यादा रिड्यूसिंग होता है। बोलो मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो बताओ सबसे ज्यादा पहले और सबसे कम बाद में, आया बात समझ में। सपोज दैट यही क्वेश्चन होता और ये पूछा जाता है, मेरे से पूछा जाता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का घटता क्रम, कोई दिक्कत नहीं, अरेंज कर दिया। बताओ इधर से इधर जाता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। मैं देखू पूछा क्या है, घटता क्रम, इसका मतलब यही ऑर्डर हो जाएगा। और बोलो Mg ZN Fe और कॉपर, समझ में आया बोलो, यही किया, हाँ या ना, ओके। फिर मैंने कहा मेरे से पूछा निम्न में से को किसी कौन सा किसी सी पे डिस्प्लेस नहीं होगा अपना कंपाउंड में, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कभी डिस्प्लेस नहीं होगा, तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Mg। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, Mg। पहले बताओ समझ में आई मेरी बात, इस सब के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, 1 मिनट का रिवीजन, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और उसके बाद क्या याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जो सबसे ऊपर होते हैं वो हाईली रिड्यूसिंग मेटल्स होती है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्लियर। बाकी सारी चीजें अपने आप निकल जाएगी, बात समझ में आए बोलो। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया दिया मैंने जस्ट आपको, और आइडिया होना चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए, कभी भी 10 10 12 12 मेटल नहीं दी जाती है, 3 4 दी जाती है, आपका अगर थोड़ा भी पता है तो काम हो जाएगा। और छापा बड़ा काम का ध्यान रखना, आगे भी मैं अभी छापा आगे यूज करूंगा, क्लियर। ओके।